स्टेशन है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 अस्सलाम वालेकुम, आपको पेशावर किस्सा खानी बाज़ार से खुश आमदीद कहता हूँ। पेशावर गेंट रेलवे स्टेशन पहुँचे तो उसके बाद भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, तो रुख किया हम लोगों ने पेशावर किस्सा खानी बाज़ार का, और ये दावत थी मुझे रहीम भाई की तरफ से। मैं भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ की जो खसूसियत, यहाँ का बड़ा गोश्त है जो लोग बहुत ही शौक से खाते हैं, तो हम लोगों ने भी बड़े गोश्त के जो हैं वो टिक्के लगवाए और कढ़ाई भी बड़े गोश्त की लगवाई, और बहुत ही मज़े से आराम से बैठकर हम लोगों ने जिस तरह बाकी लोग बैठे हैं हम लोगों ने वैसे ही इंजॉय किया। ये देखें टिक्के लग रहे हैं, आपको देखने में लगेगा कि मसाला शायद बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ही मज़े का मसाला, बहुत ही रिजनेबल, और जिसको खा के आपकी तबीयत बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और खाना खाने के बाद हम लोग पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन पहुँचे, जहाँ से हमने 2 डाउन में सफ़र करना था और पिंडी रेलवे स्टेशन पहुँचना था। खुले में बैठते हैं, ये जी पेशावर का रेलवे स्टेशन है और प्लेटफॉर्म नंबर 1, और ये अभी तक जाफा एक्सप्रेस उधर ही खड़ी है। तो बाकी वापसी हमारी है आप भी खैबर मेल 2 डाउन से, 10 बजे उसका डिपार्चर है पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन से, और पिंडी तकरीबन उसका टाइम 1:25 का है। इंशाल्लाह आपसे रास्ते में मुलाकात होती रहेगी और फिर पिंडी पहुँच के आपसे मुलाकात होगी। ये खैबर मेल के एम्प्टी रैक्स जो हैं वो पहुँच रहे हैं। अच्छा जाफर है। पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन और उस पर 2 डाउन खैबर मेल का रैक पहुंच रहा है, एम्प्टी रैक। 10 बजे ये अपना सफ़र यहाँ से स्टार्ट करता है, तकरीबन 1:25 पे पिंडी पहुंचता है, सुबह 7 बजे लाहौर पहुंचता है, और बाकी बातें बाद में मैं बता दूँ आप लोगों को। सुबह 7 बजे लाहौर, फिर शाम को तकरीबन 7 से 10 के दौरान रोड़ी, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। फिर अगले दिन सुबह ये कराची कैंट पहुंचता है, बहुत लंबा रूट है इसका। खैबर मेल एक पोस्ट जो कह लें जो आपके हैं उनके, इनका रैक लगा हुआ है रेड कलर में, और ये तब से है जब ये अंग्रेज़ यहाँ पे हुकूमत करते थे, गवर्नमेंट जब उनकी थी। एसी स्लीपर, चलें अब इसमें जब ट्रैवल स्टार्ट करेंगे तो फिर बाकी बातें तब करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी।
जी ZCU-20 जो है वो लीड करेगा खैबर मेल टू डाउन को फ्रॉम पिशावर किंट रेलवे स्टेशन टू लाहौर जंक्शन और लाहौर रेलवे स्टेशन, जो भी आपको अच्छा लगता है। ZCU-20 लीड करेगा और देखते हैं कि इसको कैसे कनेक्ट करते हैं वो। ZCU-20 6407 है 6407। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है शोर में, आगे चलेंगे हम इंजन के साथ साथ चलेंगे, रेस इंजन जीतेगा। नहीं है और मतलब कि उसकी रिफ्लेक्ट करेगी, इतनी कोई अच्छी लाइट नहीं आएगी, इसके लिए मैं माजरत खा हूँ। नेचुरल लाइट होती है। ZCU-20 6407 लीड करेगा खैबर मेल टू डाउन को फ्रॉम पिशावर रेलवे स्टेशन टू लाहौर जंक्शन। हम लोग उतरेंगे पिंडी रेलवे स्टेशन पे तकरीबन 1 से 1.5 बजे के दरमियान इंशाल्लाह। तो ये समराइज करेगा मेरा आज के दिन का व्लॉग। ट्रेन है जो पाकिस्तान की सबसे कदीम तरीन ट्रेन है और
पाकिस्तान बनने से पहले से चल रही है। 1922 में इसका इनॉगरल रन हुआ था और आज भी पाकिस्तान में रवा दवा है। कराची से पेशावर वन अप और पेशावर से कराची टू डाउन मुसाफिरों को लेकर चलती है। और साथ साथ इसमें यह खासियत भी है कि पाकिस्तान पोस्ट यानी कि डाक की सर्विस भी इसी ट्रेन के ज़रिए मुहैया होती है। इसी वजह से ये खैबर मेल है।
ये बताओ ना उसके सिटी वाले को, ये बंदे बैठे हैं प्लेटफार्म पे, कम से कम पता तो रास्ते में बैठने पेशावर सिटी रेलवे स्टेशन पे काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं खैबर मेल में सवार होने के लिए। बताना भी आप यहाँ फिर खुशी कर भी गरीब हो गई करते हैं, ये भी करते हैं, अच्छाई भी करते हैं, बुराई भी बताते हैं, लेकिन अब वो जो हमारे हाथ में आला है, हाथ में बाला है, उनकी भी कुछ मजबूरी है ना जी। मजबूरी लास्ट टाइम में आया ना तो आप इधर देखें, लास्ट टाइम हम गाड़ी चला रहे थे, सुबह आप पहुंचे कोई पौने सात बजे तीन से चार बजे इसी जगह पे जाइए गाड़ी के बाद से आगे निकल रही है, तो आप यकीन करें कि यहाँ से लेके और यहाँ तक ना लैंड का वो पीस ही नहीं था, और वो जो रेलवे के कुछ मुलाजम थे ना तो उनके पास झंडी भी नहीं थी, वो झंडी होती ना ड्राइवर को जी जी बिल्कुल बताने के लिए कि बताने के लिए, वो हमें रोक रहे थे ड्राइवर मारे, तो मेरे फ्रेंड थे बहुत, वो कह रहे कि मैं समझ रहा हूँ कि ये कुछ चर्सी पोल्ट्री है तो आप आ रहे हैं, अब वो हमें कह रहे रोको रोको, आखिरकार वो बंदा सामने आके उसको ना ऐसे चादर सर्दियों के दिन उसने ऐसे चादर को ले रही, तो फिर समझ आई अपने आगे इम्तियाज नहीं गुमराज की के इम्तियाज ना उसकी गुमराजी गुमराज आप जी के घूमने लगे हैं और कहना है ना सिस्टम बड़ी मुश्किल